मिस्टर जगमोहन, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बोल रहा हूँ। मिस्टर जगमोहन, मैं बोल रहा हूँ, अभी आपने ऑनलाइन कुछ शॉप किया था, आपको डिलीवर हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सर आपने यूज़ तो नहीं किया प्रोडक्ट? हाँ जी बिल्कुल, मंगाया तो यूज़ नहीं करूँगा। नो सर, मैंने इसलिए फ़ोन किया था सर, डिफेक्टिव था वो जो मंगवाया था आपने। तो डिफेक्टिव मतलब? सर डिफेक्टिव मतलब उसमें कमी होगी कोई। अबे डिफेक्टिव का मतलब क्या है तेरा? कोई ऑर्डर कर रहा है उनसे, तू डिफेक्टिव माल भेजेगा? सर मैं उसको चेंज करवा लूंगा, डोंट वरी सर। चेंज मतलब क्या? यूज कर लिया मैंने सर, मैंने सिर्फ ये क्या, मैं क्या मेरे को बोले जा रहा है, मेरे को बोले जा रहा है चेंज कर दूंगा। कोई बंदा यूज करके बैठा तेरी अपनी यहाँ पे? सर आप इतना क्यों चिल्ला रहे हो, मेरे को समझ इतना नहीं चिल्लाऊंगा। कोई बंदा यूज कर बैठा, तेरे को पता है मैंने क्या मंगाया था? क्या मंगाया था सर आपने? कंडम मंगाया था, ले ले अपनी। चुप क्या हो गया, बोल अब। सर वो के कहाँ है? मैं यही हूँ सर, मैं यही हूँ। तो बोलना कुछ, अब क्या करूँ मैं? आई नो सर, आपने कंडम, आई नो का क्या मतलब? किसी को इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए अपनी नहीं तो सर, तुम्हारे ऊपर अभी केस करता हूँ, तुम्हारी एक तो की शादी भी नहीं हुई। क्या नहीं हुई सर, अभी आपने क्या बोला? नहीं आपने अभी क्या बोला, क्या नहीं हुई? शादी नहीं हुई मेरी, कुछ हो जाए तू जिम्मेदार है। अब एक काम कर, एक तो खुद कॉन्डम और भेज मेरे को, और तो साथ में आई हो। हंस क्या रहे सर? बाहर ओ बस यार, और नहीं। जगमोहन रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। सुनो सुनो, वो जो कुछ था सही था, ये तो तुम्हारे दोस्त ने बताया मुझे अनिल ने कि तुमने मंगवाया। सुनो अरे यार मत किया करो, ऊपर आगे। एक ऐसे आदमी को फोन कर रहा हूं जिसके बारे में ये पता चला है मुझे कि अभी कुछ दिन पहले घंटों घंटों लाइन में खड़ा रहा, और किस लाइन की बात कर रहा हूं ये तो पता ही है आपको, अभी लॉकडाउन में। बेटा मैं आपके पापा से बात करना चाह रहा था, आपके पापा का फोन नहीं लग रहा है, मैं उनको दोस्त बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अंकल, एक मिनट, वो दूसरे कमरे में है, तो मैं अभी देता हूँ। एक सेकंड बेटा बात सुनिए, पहले जब तक पापा से बात कर लें, दूसरे कमरे में मैं आपसे भी थोड़ी बात कर लूँ। एक तो बेटा आपसे बात बहुत कम होती है, आपके पापा और मैं ऐसे समझ लो जैसे बिल्कुल जिगरी होते हैं ना दोस्त, तो आपका नंबर भी शेयर कर दिया था मेरे से इसने। तो बेटा सही, सब सही चल रहा है, जिंदगी सही चल रही है आजकल तो लॉकडाउन। और मैं बहुत अच्छा हूँ बेटे, बहुत अच्छा हूँ। लॉकडाउन खत्म होगा तो मैं मिलूंगा भी किसी दिन आपसे। जी जी अंकल। बेटा बस मैं हमेशा अपने बच्चे की तरह ना, मैंने आप ये लगा लो, मैंने आपको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह समझा है, और आपका पापा जो है वो मेरे बच्चों को अपने बच्चे की तरह समझता है, हमेशा से ये उसूल रहा है। लेकिन बेटा हमेशा याद रखना, एज अ फादर एज अ अंकल मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ बेटा, जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। हम दोनों का ही है। मैं आपको बताता हूँ बेटा, मैं आपको ये बताता हूँ, ऐसी ऐसी परेशानी आई है आपके अंकल पे, मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। देखना भी नहीं चाहिए, मतलब मेरा दिल करता था कभी कभी कि पीछे मुड़ के देख ले, मैंने कहा नहीं पीछे मुड़ के नहीं देखना, अगर सोच लिया है आगे देखने का। उनके नाम मुझे भी याद आ गया कि जब मैं लर्न पे पहुंचा था तो लोगों ने कहा कि साइंस ले लो, साइंस ले लो, लेकिन मुझे कॉमर्स लेनी थी, लेकिन लोगों ने इतना कहा कि मैंने साइंस ले ली, और उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। नहीं पीछे बेटा देखना नहीं चाहिए, पीछे मुड़ के कभी नहीं, कभी नहीं देखना चाहिए। यही बचपन में पापा ने भी यही सिखाया बचपन से कि पीछे मुड़ के ना देखो चाहे कुछ भी हो। लेकिन बेटा उस दिन तू अगर पीछे मुड़ के देख लेता ना, तो मेरे को अभी पापा को फोन करने की जरूरत ना पड़ती। किस दिन अंकल? जिस दिन लॉकडाउन में पहली बार ठेके खुले हैं ना, और तू ठेके की लाइन में खड़ा हुआ था, पीछे मैं खड़ा हुआ था, अगर तू वहां पीछे मुड़ के देख लेता, जबकि मैंने दो तीन बार ऐसे भी किया है। पापा कहाँ है? पापा से बात कराओ बेटे। अंकल वो तो शायद नीचे गए अंकल कहीं कुछ काम से। मैं वेट कर लेता हूँ, होल्ड कर लेता हूँ, आ जाएंगे। लॉकडाउन में कहाँ बाहर गए हैं? नहीं वो अंकल कुछ काम से गए हैं शायद। लॉकडाउन में कौन सा काम है?
कुछ सामान अंकल घर का शायद। 8 बजे कौन सा सामान मिल रहा है रात में? मम्मी ने भेज दिया कुछ। मम्मी से बात करा? मैं मम्मी से पूछता हूँ। अंकल मम्मी तो खाना बना रही है अभी। मैं होल्ड कर रहा हूँ, आने दे पापा को। अंकल प्लीज मत बताइएगा प्लीज। पहले ये बताओ जिंदगी में पीछे मुड़ के देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। कभी कभी देखना चाहिए? नहीं अंकल, हर बार देखना चाहिए। हर बार देखना, पता करना चाहिए। बात कराओ पापा से। अंकल प्लीज इस बार रहने दीजिए, मतलब मैं हमेशा पीछे मुड़ के देखूंगा। हमेशा पीछे मुड़ के देखेगा। ऑलवेज, चाहे कुछ भी हो पीछे मुड़ के देखना बेटे। ठीक है? बिल्कुल अंकल। ओके, लास्ट टाइम बिल्कुल। हाँ, थैंक यू अंकल। ठीक है, बाय। सॉरी अंकल। अभी काम करो, ये वीडियो देखने के बाद उन लोगों को टैग कर दो जिनको लगता है कि उस दिन पीछे मुड़ के देख लेना चाहिए था। जल्दी से। बाय। रैंडम, पता है आपको रैंडम क्या होता है? रैंडम मतलब कुछ भी, जैसे ये। हेलो, मेरे को बात नहीं करनी तेरे से। कौन बोल रहा है? कौन बोला क्या मतलब? बात ही नहीं करनी। तो बोल कौन रहा है तू? तो बात नहीं करनी ना, नहीं करनी तेरे से बात मेरे से। मेरे को मतलब फोन तूने किया है? हाँ, तो मैंने किया है यही कहने के लिए कि बात नहीं करनी तेरे से। मेरे को इतनी सी भी बात नहीं करनी, समझ गया? नहीं करनी ना तेरे से बात। अभी जब बात ही नहीं करनी तो फोन क्यों किया? यही बताने के लिए कि बात नहीं करनी तेरे से। मुझे भी नहीं करनी तेरे से बात। हाँ, तो मुझे नहीं करनी तेरे से बात। तू क्या नहीं करेगा? मैं ही नहीं कर रहा तेरे से बात। अबे मैं ही नहीं कर रहा तेरे से बात। मैं नहीं कर रहा तेरे से बात, समझ गया? ओ हेलो, रुक ना, सुन पहले। अरे क्यों सुनूं? जब बात ही नहीं करनी मेरे को। अबे तो मैं क्या बात करेंगे, मर रहा हूं। हां तो मैं भी तो नहीं मर रहा, नहीं करनी ना तेरे से बात। नहीं करनी मेरे को भी नहीं करनी तेरे से बात। तो मुझे कौन सी करनी है? तो मुझे कौन सी करनी है तेरे से बात? तो मुझे कौन सी करनी है तेरे से बात? नहीं तो मैं यही कहने के लिए कि बात नहीं करनी तेरे से। नहीं तो बात नहीं करनी तेरे से। मुझे तो बिल्कुल भी। हाँ तो मुझे भी नहीं करनी ना। एक काम करते हैं, चुप रहे थे दोनों, चुप रहे। हेलो, है भाई तू? चुप, बात ही नहीं करनी ना तूने। बात ही नहीं कर रहे हम। हेलो, तेरे घर भी नहीं आना मेरे को, समझ गए? नहीं तो तू, नहीं तो मुझे ही नहीं आना तेरे घर। क्यों आऊं? क्यों आऊं? मैं नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। हाँ तो मता मता मता, मैं बुला रहा हूँ तेरे को, मैं बुला रहा हूँ तेरे को, मता। मैं भी नहीं बुला रहा। हाँ तो मैं भी। ओ, जब पहले मैं नहीं बुला रहा, बाद में तू नहीं बुला रहा। पहले किसने नहीं बुलाया? पहले मैंने नहीं बुलाया ना तुझे, बाद में तूने नहीं बुलाया। मैं नहीं बुला रहा। हाँ नहीं तो बाद में नहीं बुलाया ना, मैंने तो पहले ही नहीं बुला लिया तुझे। बात ही नहीं कर रहा मैं, बात ही नहीं कर रहा। हेलो, तेरे साथ बिजनेस तो कभी जिंदगी में करना ही नहीं है, तेरे कुछ भरोसा थोड़ी है। बिजनेस तो कभी नहीं करूंगा तेरे साथ। अब सुन ले, ना तेरे से बात करनी है, ना तेरे घर आना है, ना तेरे साथ बिजनेस करना है, बस। ओ, बात ही नहीं कर रहे ना शुरू में नहीं। हेलो, क्या बोल? मुझे आवाज क्यों दे रहा है? बात ही नहीं कर रहे हम। मेरे को बात ही नहीं करनी तेरे से। हेलो, फोन क्या करना है? अबे तेरे से बात ही नहीं करनी ना मुझे, क्यों फोन कर रहा है? तेरे से बात ही नहीं करनी मुझे। ठीक है, तो मेरे को भी नहीं करनी। तू भी हाँ नहीं करनी, ठीक है भाई। अभी काम करो, जिन जिन से बात ही नहीं करनी तो मैं टैग कर दूं उनको, शेयर करो वीडियो। हेलो। हाँ भाई, फोन उठा। क्या? फोन उठा। हाँ फोन उठा, बात करनी है। किससे बात करनी है? अभी ये नहीं बता सकता किससे बात करनी है, क्यों बात करनी है। जब तक फोन नहीं उठेगा बात नहीं बताऊंगा मैं। फोन उठा पहले। उठा तो लिया फोन। हाँ तो बात सुन। बोल। घूर क्यों रहा था कल? किसको घूर, क्या हो गया भाई? मुझे क्यों घूर रहा था कल? अबे तेरे को बात किससे करनी है, किसको फोन मिला दिया? तूने घूरा नहीं मेरे को कल? मैंने नहीं घूरा भाई। तू नहीं था कल? तू नहीं घूर रहा था मुझे? मैं नहीं घूर रहा था भाई। अरे यार, आई एम सॉरी यार। वो असल में सबने आजकल मास्क लगाए हुए हैं ना, तो मैं गया था किसी दुकान पे तो मुझे घूरा है किसी ने, मुझे लगा शायद तूने घूरा होगा। मैं क्यों घूरूंगा भाई, मैंने नहीं घूरा। नहीं मेरे को पक्का ना, घूरा नहीं है ना तूने? मैं नहीं घूरा। ठीक है भाई, ठीक है।
हेलो। हेलो। अभी फोन किया था, एक बात बता, तूने घूरा तो नहीं मुझे? लेकिन जब मेरा पैर स्लिप हुआ है तो हंस क्यों रहा था? ओ भाई, मैं नहीं हंस रहा हंस तो था। तू हंस नहीं रहा था? मैं क्यों हंसूंगा यार? तेरे मास्क के अंदर तू हंस नहीं रहा था? तेरी आंखों से पता चल रहा है हंस रहा है तू? नहीं हंस रहा भाई, मैं क्यों? मैं नहीं हंसा भाई। 2 मिनट लगेगा हंसी निकालने में। भाई तुम समझो यार, मैं अकेला रहता हूं, मैं नहीं हंस रहा था भाई। सॉरी, आंखों से लगा के हंस रहा है शायद। नहीं ठीक है भैया, मैं नहीं हंस रहा था। ठीक है ठीक है। अरे अब क्या हो गया भाई? बोल। एक बात बता, ये दांत ऐसे पीस के गुस्सा क्यों कर रहा था? पीसे थे अंदर दांत मास्क के अंदर तूने? भाई ऐसे नहीं किया भाई, मैंने नहीं कसम खा, किया कसम खा, तूने मास्क के अंदर ऐसे नहीं किया दांत पीस के? पक भाई, सच बता रहा हूँ भाई, कसम खा रहा हूँ भाई, पक्का? पक्का कह रहा हूँ भाई, पक्का सच में। ये मास्क की आड़ में ना ये गुस्सा नहीं चलेगा ऐसे। 2 मिनट में ठीक कर दूंगा मैं, 2 मिनट में। भाई मैंने नहीं किया ठीक भाई। है ठीक है। अरे सर मैं बोल रहा हूँ, आप क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने नहीं किया भैया, बस आप लास्ट बोल एक कहा। चीज बता दे, लास्ट एक चीज भाई, ये जीभ जीभ निकाल के मुंह चढ़ा रहा था मुझे तू अरे मास्क के भैया, अंदर? मैं क्यों चढ़ाऊंगा भैया? नहीं, मुझे लगा तेरी आंखें देख के। अरे नहीं भैया, मैं नहीं कर यार। भैया मेरी आंखें ऐसी हैं, आप समझ नहीं रहे हो, मेरे लिप्स ड्राई हो गए होंगे, मैंने जीभ ऐसे फेरी होगी, आपको लग रहा है भैया, मैं क्यों करूंगा आपको? ठीक है। यार नहीं, नहीं वो किया मैंने मास्क है यार। ना, सबके मास्क है। अब क्या पता यार, मेरी भी गलती नहीं है ना, सबने मास्क लगा रखे हैं, मेरे को लगा तू है। ये सब के सब साला चाइना वालों की वजह से है, बहन क्यों भाई? इनकी वजह से मास्क लगाना पड़ रहा है, और अब किसी वही और तो, की मेरे वजह को भी से तो मेरे को कंफ्यूजन लगना हो गया पड़ेगा ना, इनको बोलना। यही मेरे को भी कंफ्यूजन हो गया। अरे नहीं भैया, नहीं मैं नहीं हूं यार, ये चाइना वाले हैं। चल ठीक है। हेलो, हेलो। अब भी घूर रहा है तू मुझे? अरे भैया, अब तो मैंने मास्क भी नहीं लगा रखा, कहां से घूर रहा हूं, देख लो मेरे को भैया। एक सेकेंड। चल ठीक है, गलती हो गई, मेरी गलती नहीं है, ये मास्क लगा रहे हैं लोग। ठीक है भाई, ओके। ओके बाय। हेलो। मैडम हाय, मैं बोल रहा हूँ, आप एचआर से बोल रहे हो ना आप? हाँ मैडम, मेरे को कंप्लेंट करनी है, मतलब ये मैं ऑफिस में हूँ, अभी ज्वाइन किया है मैंने पिछले हफ्ते, मतलब 10 दिन हो गए हैं। तो आप मेल कर दीजिए। नहीं, मेल तो मैं कर दूंगा, लेकिन मैडम ये ठीक नहीं है ना, आप ही की कंपनी के एम्प्लॉय हैं, एचआर ख्याल नहीं रखेगा तो फिर कौन रखेगा? या सो आई एम नॉट सेइंग कि हम देखेंगे, नहीं आप मेल कर दीजिए ना, आप फोन क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैंने फोन, मैडम आप एचआर में हो, अभी तो मेरी आपसे बातचीत भी नहीं, मैंने उस दिन आपको देखा था जब मेरा इंडक्शन हुआ था ना, तो एचआर की तरफ भी गया था मैं, आप भी बैठे हुए थे, मेरे को बहुत गलत लगा, अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया, मेरे को बहुत गलत लगा मैडम। क्या गलत लगा है आपको? और आपको जो भी गलत लगा है आप मेल कर दीजिए ना। नहीं, मैं मेल कर दूंगा, लेकिन पर्सनली बताना चाहता हूँ मैडम, अभी अभी जब मैंने ज्वाइन किया उसके 3 दिन के बाद ही कंपनी की पार्टी थी, आपकी तरफ से ही मेल आया था एचआर की तरफ से। हाँ जी याद है, तो नहीं बुलाया नहीं, था मेरे को आपको? बुलाया था, मेरे को पूरा मेल अभी पड़ा है, आपने ड्रेस कोड में उसमें पिंक टाई रखा था, यू रिमेम्बर ड्रेस कोड पिंक टाई? तो मैडम ये गलत बात है ना, मतलब मैं किससे बात करूं, बॉस कह रहा है एचआर से बात करो जाके। आपको क्या, आप किस बारे में बात करनी है? नहीं, ड्रेस मैं मेरे कोड को इसी पार्टी इसी पार्टी के बारे में बात करनी है मैडम, मेरे को याद है मेरे पास मेल आया था, मेरे को अच्छा भी लगा था, अभी अभी ज्वाइन किया पार्टी को, मेरे पे मेल आया, ड्रेस कोड पिंक टाई लिखा हुआ था उसमें। आप मुझे बताएं प्रॉब्लम क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी? मास्क नहीं पहने थे लोगों ने, डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो नहीं नहीं करी मास्क क्या? जहां पहने थे डिस्टेंसिंग भी फॉलो कर रहे थे, लेकिन मैडम मैंने मेल ओके, देखा, मेल देखा ना, आप लिखते कुछ हो, होता कुछ है, जब मेल आया क्या आपका, लिखा हमने जो हुआ नहीं? हाँ आपने लिखा है गाइस वी आर होस्टिंग अ पार्टी, एवरीबॉडी नीड टू जी, कम, और उसमें ये भी लिखा होता ड्रेस कोड पिंक टाई। हाँ लिखा था पिंक टाई, आगे बोलिए। तो जब मैं पार्टी में पहुंचा हूं, बाकी लोग तो और भी कपड़े पहन के आए थे, पैंट शर्ट और जींस भी पहन रखी थी। अब मेरे को, मैंने वेटर से कुछ मंगवाया, वेटर मैंने कहा एक्सक्यूज मी वेटर, कहता नो सॉरी, 3 मास्क लगा लिए मैंने, जब भी पास नहीं आ रहे लोग, ड्रिंक की जगह सैनिटाइजर पिया है मैंने, कहा चलो किसी से तो बात हो जाए, आपने तो लिख दिया मुंह उठा के पिंक टाई, ये भी तो लिखो ना कि विद डेनिम और विद सूट, मैंने सबको देख रहा हूँ सारे सूट पहन के हैं सब, मैं पटाए पिंक टाई, वो तो शुक्र है मेरी टाई लंबी थी।
ऐसी पार्टी करते रहो आप, ड्रेस कोड पूरा लिख दिया करो ना, पूरा कर दिया करो ना आप। मतलब आदमी क्या सोच के जा रहा है, मैं सवेरे सवेरे तैयार हूँ, मैंने कहा पिंक टाई तो हो गई, जाके देख रहा हूँ हैं बाकी तो सारे और कपड़े भी पहन के आए हैं, मैं सिर्फ पिंक टाई। अच्छा वो मेरे विचार के लोग कमाल के होते हैं, आज अंदाजा हो गया, आप बड़े बड़े अच्छे लगते हैं यार मुझे, आप कुछ भी रहते हैं। मैं रेडियो में जैसे नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था, बन गया आपका। अब मनाओ पार्टी, अब मनाओ पार्टी, और ड्रेस कोड अगली बार ना क्लियर कर देना। हेलो हेलो मिस्टर श्रीवास्तव। हाँ मिस्टर श्रीवास्तव से बोल रहा हूँ सर, आपका मेल मिला था जिसमें आपने कंप्लेंट लिखी थी, जो आप रिटर्न करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर किया गया था। रिटर्न के लिए कम से कम 9 दिन हो गया, कब से फोन लगा रहे हैं। और तो सर यहाँ भी तो थोड़ा काम वाम ज्यादा होता है ना, बात सुन लीजिए हमारी, और हम पूरा दिन घर में बैठ करके वेट करते हैं कि अभी से बंदा आएगा लेकर। तो सर हम सिर्फ आपके काम के लिए नहीं बैठे ना, आप ये भी तो सोचो ना, सिर्फ कम से कम हमें बताइए तो सही कि कब लेकर लेने आएंगे। सर ये बताने के लिए तो फोन किया हूँ, आप तो आप छोड़ा हो गए फौरन। ये जब हम बार बार आपको फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तब आप फोन कर रहे हैं, ये भी तो कोई गलत बात हो गई ना। मतलब सामने से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप फोन करिए और लेकर के 9 दिन कौन छोड़ता है अपना सामान, हमारा रिफंड भी फंसा हुआ है उसी में। सर आप ना मेरा दिमाग खराब मत करो, इधर उधर की बात मत करो। मैं किसी बात कर रहा है तू नहीं, आप तू तड़ाक पे आ गए, आप तू तड़ाक पे आ गए आप, मतलब कस्टमर है नहीं तो मेरी बात तो सुनो ना आप, मेरी बात नहीं सुनोगे आप, मेरी बात नहीं सुनोगे आप। नहीं बिल्कुल नहीं सुनेंगे, क्यों सुनेंगे भाई, बेवजह बात यार, बात नहीं सुन रहे आप, अरे तो यार बात तो सुनो ना, लेने नहीं आ रहा है, हम यहाँ पे वेट करते रहते हैं, कोई आएगा और हमारा टाइम या तो आप बात तो सुनो ना मेरी, आप बात नहीं सुन रहे हैं आप, नहीं तो आप जब तक बात नहीं सुनोगे आप कैसे पता चलेगा आपको, नहीं बता रहे हो नहीं, क्या 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 कंपनी चलती है यार, तुम लोग बात ही नहीं समझते हो। हम शाम को बच्चा लोगों को वेट करने को बोलते हैं कि चलेंगे, तो आप बात तो सुनोगे नहीं, बात सुनोगे या बात तो सुनो ना मेरी, मेरा भेजा करो, क्या सुनो यार, क्या तुम एकदम से दिमाग बात नहीं सुन रहे, बात कर दिया नहीं तो बॉस से बात करो ना, हमारी बॉस से बात कर लो ना, बॉस से बात कर लो ना, तुझे पता नहीं किससे बात कर रहा है तू, आप बताइए आपको क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है आपको, हमने फोन ही तो किया है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आप सुन ही नहीं रहे हैं। नहीं सुनिए ना, बात तो सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, हमारे एग्जीक्यूटिव आपको यही समझाने की कोशिश करें, नहीं मेरी बात सुनिए, अरे पड़ेगा क्या, मतलब आप सुन ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं, आपको आपको पहले भी तो बताया था ना एक बार, आपको शुरू में भी बताया है, ये सुनेंगे तो हम आपको बता पाएंगे ना सर, आप सुनो एक बार, जो शुरू में उन्होंने बताया था ना वही सुन, आई लव यू, मैं यही तो आपसे कह रही हूँ, शुरू से यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप हमें थोड़ा वक्त दीजिए, सुनिए बात को, सुनिए पहले। अच्छा मैं ये कह रही थी कि जो आपकी प्रॉब्लम, अभी पीछे क्या बोली है कुछ देर पहले, देखिए सर प्रॉब्लम हमारे एंड से हुई थी, हम मान रहे हैं अपनी गलती, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, आप चिंता ही मत करिए, आप बस हमारी बात सुनिए और फॉलो। अभी आप मतलब थोड़ी देर पहले क्या बोली, जो अभी बोली मैं, वो सब छोड़िए, आप मुझे पहले बताइए कि आपकी प्रॉब्लम का रिड्रेसल हमने करा है ना, हमने फोन, ये सब छोड़िए आप, सोल्यूशन मिल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, वो सब समय लगता है, समझ रहे हैं, लेकिन अभी आप बोली है कुछ थोड़ी देर पहले। जी सर मैं थोड़ी देर पहले यही आपको समझा रही थी कि प्रॉब्लम आपके एंड से नहीं हमारे एंड से, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की कोशिश, अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ बोली हैं जो से चिल्ला करके। सर मैं क्षमा चाहूंगी अगर मैंने आपसे चिल्ला के बात की हो तो, प्लीज आप बिल्कुल माइंड मत करिए, ये हमारे प्रोटोकॉल में ही है, हम आराम से आपको पूरा समझा देंगे। आप मैडम मैं बात कर लेता हूँ, देखिए हम यही आपसे कह रहे थे सर, ये सुने, हाँ अरे भाई आप, जो हमारी तरफ से फॉल्ट था ना, हमारी तरफ से फॉल्ट था, वो तो रेक्टिफाई हो गया, आप गलत बात कर रहे हैं, आप उनको फोन दीजिए पहले। नहीं वो मैडम ने तो, वो मैडम भी वही बता रही ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो सही से बात कर रही, नहीं मैं आपसे यही कह रहा था कि इसको हम रिटर्न करा लेंगे, यही मैं आपको शुरू बता रहा था, मैडम जो आपको बताई ना, फोन दो तुम बात, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, इसमें होता ये है सर, 6 दिन नहीं 6 दिन में मैं मंगवा लूंगा, अरे हमें उनसे बात करनी है, तुम समझ नहीं रहे, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं 6 दिन में मंगवा लूंगा आपको, ठीक है यार, तू बात ही नहीं समझ रहा है, तब से क्या बनाया जा रहा है, फोन दो पहले उनको, जो लेडीज से तुम्हारे साथ, तुमसे नहीं बात करनी है हमको, मैं लेडीज से कॉल बैक करा दूं सर,
उन्हीं से कराओ। हाँ मैं कराता हूँ सर, दो मिनट में कराता हूँ सर, दो मिनट में कराता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, ओके ओके बाय।